जितने भी ऐसे जनजातियां हैं एवं अन्य परंपरागत वन निवासी हैं जिनके हक हकूक को जिनके वनाधिकार को पुष्प गुच्छ अर्पित कर उनका स्वागत करने का कष्ट करें। खटीमा के थारू विकास भवन में वन अधिनियम के अंतर्गत जनजाति के प्रशिक्षण हेतु एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। वन विभाग द्वारा राणा थारू परिषद के तत्वाधान में थारू विकास भवन में आयोजित वन अधिकार कार्यशाला का शुभारंभ सीएम की पत्नी गीता धामी, विधायक प्रेम सिंह राणा, पूर्व विधायक गोपाल सिंह राणा, थारू परिषद अध्यक्ष रमेश राणा, प्रभागीय वन अधिकारी संदीप कुमार के द्वारा विधिवत पूजा अर्चना के बाद दीप प्रज्वलित करके किया गया। कार्यशाला में थारू समाज के हक हकूक, जंगल उपज रेता, बजरी, इमारती लकड़ी और घास सहित अन्य सामग्री दिए जाने की वकालत की गई। इस मामले में प्रभागीय वन अधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री के आदेशानुसार जनजाति व वन निवासी के लोगों को प्रक्रिया अनुसार उनका अधिकार दिलाने के लिए थारू विकास भवन में एक दिवसीय वन अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सम्मेलन में ग्राम प्रधानों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके बाद ग्राम प्रधान समितियां बनाकर प्रशिक्षण देने के बाद लाभान्वित किया जाएगा। मुख्यमंत्री की पत्नी गीता धामी ने बताया कि वनाधिकार अधिनियम थारू जनजाति समुदाय से जुड़े लोगों के लिए है। थारू जनजाति के लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वनाधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित सुविधा का लाभ जनजाति के लोगों को नियमानुसार जल्द ही मिलेगा। ये जो आज का एक दिवसीय वन अधिकार सम्मेलन जो है ये त्रिपुरी वन विभाग द्वारा जो है यहाँ पे खटीमा जो है थारू विकास केंद्र विकास जो भवन है उसमें आयोजित किया गया है। ये वन अधिकार अधिनियम जो है 2006 का है और इसमें जो अन्य नियम 2008 और 12 के हैं उसके अंतर्गत जो है स्थानीय जो जनजाति के लोग हैं उन अन्य परंपरागत जो लोग हैं वन निवासी हैं उनको जो है प्रक्रिया अनुसार उनके जो अधिकार है उसका निर्धारण किया जाता है। और चूँकि इस एरिया में जो है अभी तक इसका निर्धारण हो नहीं पाया है तो लास्ट मंथ जो है ऑनरेबल सीएम उत्तराखंड द्वारा जो है उधम सिंह नगर के दौरे पे जो है ये निर्देश दिए गए थे कि इसको जल्द से जल्द जो है सुचारू और इन अधिकारों को जल्द से जल्द जो है इनके संबंध में जो है इनको कार्यान्वित किया जाए। और तो इसी संबंध में जो है आज की ये कार्यशाला है। ये चूँकि ग्राम सभा लेवल से जो है शुरू होने हैं दायित्व ये वन अधिकारों के जो आइडेंटिफिकेशन है तो इसलिए हमने आज जो है ग्राम प्रधानों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से जो है आज का ये सम्मेलन किया है। अब इसके बाद जो है वन अधिकार समितियाँ ग्राम स्तर पे बनेंगी और उस पर उनको भी सेकंड इसमें जो है उनको प्रशिक्षित किया जाएगा और ग्रामीणों के अधिकार चाहे सामूहिक हो चाहे व्यक्तिगत हो उनको निर्धारण करने की प्रक्रिया जो है इस जनपद द्वारा जो है आज जो है ये हमने शुरू कर दी है। और इसको जो है आशा यही है कि इसको जो है हम जल्द से जो है इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। थैंक यू। वन अधिकार अधिनियम जो कि बहुत पहले हमारे थारू जनजाति समाज के लोगों को मिला हुआ था और उसके अंतर्गत उन्हें कई सारी सुविधाएं उसमें दी जाती थी जो कि बीच में कुछ कारणवश जो है कई समय से वो सुविधाएं उनको नहीं दी जा रही थी और इसकी भी मांग जो है निरंतर हमारे थारू समाज के लोगों के द्वारा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी विधायक रहते हुए उनके लिए मांग रखी गई थी कि उनको जो है ये सुविधाएं दी जाएं। और बाकी जो भी हमारे वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले परंपरागत रूप से जो लोग वहाँ पे बसे हुए हैं उनको भी वो सुविधाओं का लाभ मिले और इसी को लेकर के आज जो है यहाँ पे सम्मेलन रखा गया जिसमें हमारे सभी जनप्रतिनिधि हमारे प्रधान और वन अधिकारी सभी कर्मचारी यहाँ पे उपस्थित रहे। उनको एक प्रशिक्षित उन्हें यहाँ पे दिया गया है और प्रशिक्षण उनको दिया गया है ताकि वे जनता के बीच में जा करके हमारे सभी उन लाभार्थियों के बीच में जा करके उनके उनको जो है इस सुविधा के बारे में जानकारी दें उनको सीधा उनको लाभ पहुँचे।